अब खबर हापुड़ से है, जहां पर पूजा स्वीट्स के समोसे में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है और इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है। लोगों की सेहत से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी की एक वानगी देखने को मिल रही है पिलखुआ के पूजा स्वीट्स में, जहां पर समोसे में छिपकली निकलने पर ग्राहक ने दुकान पर हंगामा किया है। समोसे में छिपकली देख व्यापारी और उसकी बेटी की भी तबीयत बिगड़ गई। वहीं लोगों के स्वास्थ्य से लगातार खिलवाड़ किए जा रहे हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं नामचीन दुकानदार। वहीं आपको ये भी बता चले कि खाद्य अधिकारी ओम प्रकाश सिंह बिना नमूना लिए ही वापस लौट आए हैं। कोतवाली पिलखुआ के मोहल्ला किशनगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पूजा स्वीट्स की दुकान ये मौजूद है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समोसे में छिपकली निकली है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो वहां पर ग्राहक मौजूद थे उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला है और जिसके साथ ये घटनाक्रम ये वाकया गुजरा है उसकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है छिपकली को देखने के बाद। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि खाद्य अधिकारी ओम प्रकाश सिंह बिना नमूना लिए ही वापस लौटे हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ी घटना जहां पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उसका जीता जागता नमूना आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समोसे के अंदर से ये छिपकली निकली है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला हापुड़ के पिलखुआ के मोहल्ले किशनगंज का बताया जा रहा है, जहां पर पूजा स्वीट्स नाम की दुकान है और उसी दुकान से व्यक्ति ने समोसा लिया, लेकिन समोसे के अंदर छिपकली निकलती है और जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, देखिए ये जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है अपने आप में चौंका देने वाली तस्वीर है, क्योंकि समोसे के अंदर छिपकली निकली है, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, एक कपड़ा व्यापारी है जो अब एक पास की पूजा स्वीट से जो पिलखुआ जो है किशनगंज में स्थित है दुकान, यहाँ से समोसा लेने गए और समोसा लेके जब वो घर पहुंचे, जब उनकी बेटी और वो खुद समोसा खाने लगे तो समोसे में जो है छिपकली देख उनके होश उड़ गए। वो दुकान पर पहुंचे, दुकान पर पहुंचने के बाद ग्राहक ने काफी हंगामा जब किया तो मौके पर पुलिस भी आ गई। हालांकि देखा जा रहा है कि हापुड़ में लगातार कभी मिठाइयों में कॉकरोच, कभी कीड़े और अब जो है छिपकली निकली है, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य अधिकारी है वो सवालों के घेरे में है कि जिस तरीके से खाद्य अधिकारियों की कार्य प्रणाली है, अगर वो लगातार सैंपलिंग दुकानों की करें तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो भी सतर्क रहें और सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखें। तो जो कहीं ना कहीं लापरवाही खाद्य अधिकारियों की इसमें खास तौर पर रही है। हालांकि इस घटना के बाद खाद्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे मगर बिना सैंपलिंग करे ही वो वापस आ गए। उनका ये कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया जिसके तहत उन्होंने सैंपलिंग नहीं की। बात अगर की जाए तो जिस तरीके से समोसे में छिपकली निकली है उसका जो है सैंपलिंग जरूर होनी चाहिए थी दुकानदारों की, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य अधिकारी है वो भी बचाने में जुटे हुए हैं। ताहिर, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है और इस तरह की पहले घटना भी सामने आ चुकी है, चाहे मोतीचूर के लड्डू में कॉकरोच निकलने का मामला हो, समोसे में छिपकली निकलने का मामला हो, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे बर्दाश्त की जा रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हापुड़ का जो खाद्य महकमा है वो लापरवाह बना हुआ है। जिस तरीके से पहले मोतीचूर के लड्डू में कॉकरोच निकला था, घेवर में कॉकरोच निकला था, उसके बाद एक बार और जो है उसमें मिठाई में कीड़े निकले थे, उसके बाद ये छिपकली निकली है, तो कहीं ना कहीं जो खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली है वो सवालों के घेरे में है। अगर खाद्य अधिकारी लगातार सैंपलिंग करें और दुकानों की जो है अच्छे से जो है मॉनिटरिंग करें तो कहीं ना कहीं इन चीजों से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। ताहिर, जो बताया जा रहा है कि छिपकली निकलने के बाद जो पीड़ित थे उनकी तबीयत भी बिगड़ी है, फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जब आपको बताना चाहूंगा, समोसे जब उनकी जो छपकली देखी तो उनके बाद उनकी और उनकी बेटी जो पीड़ित है उनकी बेटी की भी जो वॉमिटिंग वगैरह की शिकायत, उल्टी की शिकायत हुई। हालांकि वो ठीक ठाक है मगर जिस तरीके का ये छिपकली निकली है तो कहीं ना कहीं खाद्य अधिकारी व इन ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।